मुख्तलिफ ममालिक में रमजान के रस्म व रवाज। रमजानुल मुबारक मुसलमानों का मुकद्दस तरीन महीना है। इसकी आमद पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले मुसलमान अपनी अपनी सकाफत, रवायात और रस्म रवाज के मुताबिक इसका इस्तकबाल करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रमजान के दौरान क्या रस्म रवाज राइज होते हैं, आइए एक नज़र देखते हैं। तोप दागना। सहर इफ्तार का ऐलान तोप दागने से करने की रवायत कई ममालिक में मौजूद है। मिस्र में एक जर्मन मुलाकाती ने सुल्तान सैफुद्दीन को एक तोप तोहफे के तौर पर पेश की, तो सुल्तान के सिपाहियों ने इसका मुआयना करने के लिए इस तोप को शाम के वक्त चलाया। इस वक्त रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना था और इत्तेफाक से इफ्तारी का वक्त भी। तोप की आवाज़ से शहरियों ने यह तसव्वुर किया कि इन्हें इफ्तारी खोलने का पैगाम देने के लिए तोप का इस्तेमाल किया गया है। सिपाहियों को यह मालूम हुआ कि लोग तोप की आवाज़ पर इफ्तारी कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे रोजमर्रा का मामूल बना लिया और हर रोज शहरी और तारी का पैगाम तोप चलाकर दिया जाने लगा। तुर्की की बुलंदो बाला पहाड़ियों से मुकर्रा वक्त पर तोप चलाकर लोगों को इफ्तारी और सहरी का पैगाम दिया जाता है। सऊदी अरब में भी सहरी के वक्त तोप चलाकर लोगों को पैगाम दिया जाता है और रूस के कुछ हिस्सों में भी इस रवायत पर अमल किया जाता है। ड्रम बजाना। सहरी के वक्त ड्रम बजाकर लोगों को जगाने की रवायत कई ममालिक में मौजूद है। तुर्की में दौरे उस्मानिया का लिबास पहने ड्रमर सहरी के वक्त लोगों को ड्रम बजाकर जगाते हैं। मराकश में भी इस रवायत पर अमल किया जाता है। पाकिस्तान में भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ड्रम बजाकर लोगों को सहरी के लिए पैदार किया जाता है। जागो भैया रोजेदारो जागो। मनादी करना। इस्लामी रवायात के मुताबिक मुसलमानों में सबसे पहले मुनादी करने वाले हज़रत बिलाल हबशी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो मुसलमानों को सहरी के लिए बेदार करें। मक्का में मुनादी करने वाले फानूस उठाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हैं। सूडान की गलियों में मुनादी के साथ एक बच्चा भी मौजूद होता है, जिसके हाथ में इस मोहल्ले में रहने वालों के नामों की फहरिस्त होती है, जिन्हें बाकायदा नाम लेकर सहरी के वक्त जगाया जाता है। मिस्र में भी एक शख्स घरों के बाहर खड़े होकर रहायशी का नाम लेकर पुकारता है ताकि वो सहरी के जाग जाए और फिर गली के एक कोने में खड़े होकर ड्रम की थाप पर हम्द पढ़ता है। इन लोगों की कोई तनख्वाह मुकर्रर नहीं होती, मगर लोग इन्हें बतौर हदिया रमजान के आखिर में तहाइफ देते हैं। रमजान खेमे। रमजानुल मुबारक के आते ही सऊदी अरब में अफ्तार खेमे लगा दिए जाते हैं, जहां मुख्तलिफ ममालिक और कौमों के लोग अफ्तारी करते हैं। इस तरह की रवायत रूस में भी मौजूद है। रूस मुफ्ती कौंसिल की जानिब से मॉस्को में इज्तमाही अफ्तारी के लिए रमजानुल मुबारक में रमजान खेमे लगाए जाते हैं। रोशनियाँ। रमजानुल मुबारक की आमद पर सऊदीया में घरों और दुकानों को सजाया जाता है ताकि रमजान को खुश आमदीद कहा जा सके। फलस्तीन में भी खास एहतमाम से गलियों बाजारों को रोशन किया जाता है। तुर्की में मस्जिदों को अफ्तारी के वक्त रोशन कर दिया जाता है, जो सुबह सहरी तक रोशन रहती हैं। पाकिस्तान में भी लोग अपने घरों को साफ सुथरा करने और रोशन करने की तैयारियाँ करते हैं। तार। ईरान में इफ्तारी कुछ मखसूस अशिया से की जाती है, जिसमें चाय, एक खास तरह की रोटी जिसे नून कहा जाता है, पनीर, मुख्तलिफ मिठाइयाँ, खजूर और हलवा शामिल हैं। मलेशिया में लोग नमाज तरावी के बाद अपने रवायती खानों से लुत्फानंदोज़ होते हैं, जिसमें चाय बतौर खास शामिल रहती है। पाकिस्तान में इफ्तार के वक्त लोगों के लिए मुफ्त इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। बहुत से मुस्लिम ममालिक में रमजान के दौरान काम के औकात को भी कम कर दिया जाता है। लोग अपने अजीज व अकारब को इफ्तारी की दावत पर बुलाते हैं और मिलकर माह रमजान की बरकतें समेटते हैं।